हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस एंड हेल्थ ट्रिक्स में। तो आज का टॉपिक हमारा साधारण बिन को दशमलव बिन में बदलना। क्या है साधारण बिन को दशमलव बिन में बदलना? ठीक, एग्जांपल देखिए, साधारण बिन को दशमलव बिन में कैसे बदलते हैं। देखिए, ये है 5/8/5, ये है 7/2, 9/4 और 4/5। तो एग्जाम्पल में हम पहला लेते हैं, एग्जाम्पल में पहला, ठीक, इसमें पहला लेते हैं। ठीक, ये मैंने लिया पहला 8/5, तो इसे दशमलव बिन में कैसे बदलेंगे? ठीक, देखते रहिए। अब मैं 8 में 5 का भाग दूंगा, 1 पंचम 5 एक बार, बचे कितने? तीन, तीन बचे ना, तीन बचे, तो तीन में जाएगा नहीं 5 का भाग, तो क्या लगाएंगे? जीरो। जीरो लगाने पर यहाँ पर पॉइंट आएगा, ये आएगा दशमलव। ठीक, जीरो लगाने के बाद भाग भाग देने के लिए यहाँ पर दशमलव आएगा। ठीक, तो 5 का भाग 30 में कितने जाएगा? 6 बार, तो ये बन गई हमारी दशमलव बिन। ठीक, अब इसे आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। कैसे? देखिए, 8/5, ठीक, अब ऊपर नीचे ऐसी संख्या का गुना करवाइए जिससे ये नीचे जीरो बन जाए। ठीक, नीचे जीरो वाला मतलब 10 10 की घात 100 1000 ऐसे बन जाए। ठीक, तो मुझे पता है इसको 2 से ऊपर नीचे गुना करवाने पर ये 10 की घात वाला बन जाएगा। ठीक, देखिए, 1 अंठम 1ठम 2 अंठो 16, 16 बन गया, और ये 1 पंचम 5ठो 2 पंचा 10, तो क्या आएगा इसमें? देखिए, 16 मैंने लिख दिया, एक छोड़ के दशमलव या पॉइंट। ठीक, ऐसे भी कर सकते हैं आप, आपको जो इजी लगे वो कर सकते हैं। नीचे 10 की घात वाला बना ले, 10 100 1000, ठीक है ना? ऐसे करके आप नीचे इसको गुणा करवा के बना सकते हैं, या भाग दे के भी आप दशमलव बिन बना सकते हैं। ठीक, ठीक है ना? अब दूसरा देखिए, दूसरा एग्जाम्पल में दूसरा, ये वाला 7/2, तो मैंने यहाँ पे लिखा 7/2, तो 7 में 2 का भाग देंगे, 1 2 2 2 2 4 3 2 6, 3 बार गया, बचे कितने? 3 2 6, एक बचा, तो एक बचा, तो एक में तो जाएगा नहीं, तो हम एक की क्या लगाएंगे? जीरो लगाएंगे, जीरो लगाने में 10 बन जाएगा, 10 लगाने यहाँ दशमलव आएगा। ठीक है ना? 10 लगाने बाद, जीरो लगाने के बाद दशमलव आएगा, तो बाद में कितने बार जाएगा? 5 2 10। ठीक, ये आप भाग दे के देख सकते हैं घर पे। ठीक है, अब इसे ऐसे भी बना सकते हैं आप, देखिए कैसे। मुझे पता है 7/2 को अगर हम 2 को 5 से गुणा करवाएंगे तो नीचे 10 या 10 की घात वाला बन जाएगा। ठीक है ना? तो 5 से गुणा करो, ऊपर नीचे नीचे भी 5 से गुणा करवा दे, तो ये क्या है? 7 में तो 35 और 2 पंचा 10, तो ये आएगा 3.5, क्योंकि एक छोड़ के 0 है, तो एक छोड़ के पॉइंट आ जाएगा या दशमलव आ जाएगा। ठीक, अब ये तीसरा, तीसरा देखिए। ठीक, तीसरा देखिए, 9/4, तो 9/4, तो मैं आपको ऐसे समझाता हूँ भाग देंगे। देखिए, 9 में 4 का भाग देना है, ठीक है ना? किसका? 4 का। ठीक, 1 चौक चौक 2 चौक 8, 8 बचे कितने? 2 बार भाग गया, बचे कितना? एक, एक बचा ना, तो यहाँ पे एक में तो जाए ना, तो 0 लेंगे, 0 लेने के बाद यहाँ पे दशमलव लगे, तो 1 चौक चौक 2 चौक 8, 8, 8 ना, तो बचे कितने? कितने बचे? 8 बचे कितने? 2, 2 में तो जाएगा नहीं, तो 0 लगाएंगे, एक बार 0 लगाने के बाद पॉइंट आ गया, फिर बाद में 0 लगाने पॉइंट नहीं आएगा। ठीक है, 5 चौक 20, तो ये आ गया इतना, तो ये हमारा उत्तर आ गया 2.25 या 2.25। ठीक, समझ में आ गया आपको? अभी मैं ले रहा हूँ चौथा एग्जाम्पल, ठीक है ना?
चौथा एग्जाम्पल, चौथा कौन सा देखिए, 4/5। तो देखिए चौथा एग्जाम्पल ले रहा, 4/5। तो 4 में 5 का भाग देंगे। देखिए हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, मुझे पता है 5 को 2 से गुणा कराएंगे ये 10 की घात वाला बन जाएगा, 2 से गुणा करवाया मैंने ऊपर नीचे, ठीक। तो यहाँ पर क्या बन गया, ये तो 8 बन गया ऊपर और नीचे 10 बन गया, तो क्या आएगा, 0.8, क्योंकि यहाँ पे एक छोड़ के पॉइंट लगाना है, ठीक है ना, समझा। इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे देखिए, मैं पर्सन, ये पर्सन आपको दिख रहा है ना, ये पर्सन, ये पहला ले रहा हूँ इसका, पर्सन का पहला, क्या दिखाऊँ, ये देखिए इसमें पर्सन है। निम्न साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलिए, ये गलती हो गई यहाँ पर, सॉरी। निम्न को साधारण भिन्न में, साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलिए, ठीक। अब मैं ले रहा हूँ एक एक करके, ठीक है ना। अब देखिए मैं इसका पहला ले रहा हूँ, ये 17/4, ठीक, 17/4। अब आप इसको भाग दे के भी कर सकते हैं और ऊपर नीचे संख्या से गुणा करवा के कर सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे, देखिए 17 में भाग दे लीजिए, या आप 25 से गुणा करवा, नीचे 100 बना से ऊपर 25 से गुणा करवा के इसको बना सकते हैं, आप भाग दे लीजिए, ठीक है ना। भाग, 1 चौक चौक 2 चौक 8 3 चौक 12 4 चौक 16, कितनी बार गया, 4 बार, 4 चौक 16, एक बंचा, एक बंचा पॉइंट लगाएंगे, क्यों, एक बंचने बाद एक बंचा तो मैंने पॉइंट लगा दिया। तो अब इसमें 10 में 4 का भाग दें, 1 चौक चौक 2 चौक 8, बन गया 2 बंचा, 2 चौक 2 चौक 8, 2 बार गया। अब 0 लगाएंगे, अब इसमें देंगे 20 में, 20 में 4 का भाग, 5 चौक 20, ठीक, आ गया, ये बन गया पहला। अब दूसरा देखिए, 32/5, ठीक। अब आप इसके इसको गुणा करवा के कर सकते हैं, देखिए मैंने ऊपर नीचे 2 से गुणा करवा दिया, तो आपको पता नीचे बनेगा 10, 5 को 2 से गुणा करके, और ऊपर बनेगा 1 2 2 2 2 4, और 1 3 3 2 3 6, तो कैसे लिखेंगे, देखिए ये 64 लिख दिया और 1 शून्य ने, तो ऊपर 1 के बाद पॉइंट, ठीक। और ये तीसरा चौथा पांचवा, देखिए तीसरा चौथा पांचवा, ये आप घर पे ट्राई कर लीजिए। तो धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए।